हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग इजीली बाईपास कर सकते हैं सैमसंग एनी एंड्रॉयड 8.0 एंड 9.0 एंड्रॉयड डिवाइस को विदाउट पीसी के। फॉलो दिस मेथड वेरी केयरफुली। लेट्स स्टार्ट इट। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मैं अपने आपको डिवाइस को यानी ऑन नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक पिन अनेबल सिम लॉक को सिम कार्ड को आपके सेट पे है डिवाइस पे इंसर्ट कर देना। इसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, इस तरह दिखेगा। इसके बाद आपको सिम को रिमूव करना है, साथ ही साथ बार क्यूब को भी प्रेस करना है, नहीं तो ये मेथड नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। एक साथ दोनों को दबाना है, उसके बाद देखोगे इस तरह दिखेगा। नो सिम कार्ड इंसर्टेड एंड नॉट साइन इन ऑप्शन। उसके बाद नॉट साइन इन नोटिफिकेशन को लेफ्ट की तरफ साइड कर देना है। उसके बाद नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाना है, यूट्यूब पर यूट्यूब ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना है। देन मोर सेटिंग इन ऐप, उसको सिलेक्ट करना। उसके बाद अबाउट सेक्शन में जाना, देन गूगल प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करना। ये आपको गूगल काम में ले जाएगा। वहाँ पे आपको नेक्स्ट में थैंक्स कर देना है। उसके बाद सर्च बार में क्लिक करना है एंड सर्च करना है बाईपास एफआरपी गैजेट डीआर। उसके बाद जो पहले रिजल्ट में आएगा उस पेज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ से एंड्रॉइड 6 गूगल अकाउंट मैनेजर को डाउनलोड कर लेना है एंड एफआरपी बाईपास gd.apk को डाउनलोड कर लेना है। ये तो ओपीको को डाउनलोड करना ही होगा लोगों को बाईपास करने के लिए। उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट दिखेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड स्लिप कर लेना। वहाँ पे आपकी डाउनलोड एपीके को दिख जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना एंड्रॉइड 6.apk। कैसे इंस्टॉल करना है देख लो वीडियो में, आपको दिखेगा। उसके बाद एफआरपी bypass.apk को भी डाउनलोड कर लेना। मेरा नहीं रात स्लो है तो इसलिए डाउनलोड होने में थोड़ी देर हो रहा है।
कुछ प्रॉब्लम हो रहा था डाउनलोड होने में, इसलिए मैं फिर से डाउनलोड किया। उसके बाद उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन में क्लिक कर देना है। ओपन के क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऊपर तीन डॉट फिर से दिखेगा, वहाँ से क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ईयर ब्राउज़र साइन इन ऑप्शन को, देन आपको यहाँ पे जीमेल अकाउंट साइन इन कर लेना है। साइन इन हो जाने के बाद रिस्टार्ट कर लेना डिवाइस को, देन सेटअप कर लेना, डिवाइस भी रिमूव हो जाएगा सक्सेसफुल। अगर ये मेथड आपको पसंद आया तो और ये मेथड थोड़ा सा भी हेल्प हुआ आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।